हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैराजंबल ट्रिक्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास में मैंने IBPS क्लर्क प्री का एक रियल पैराजंबल लिया है। ये एग्ज़ाम हुआ था 8 दिसंबर 2018 को। इस पैराजंबल को हम करेंगे और कुछ बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरीके से पैराजंबल को अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर पैराजंबल को। देखिए, ये है एक पैराजंबल और ये IBPS क्लर्क एग्ज़ाम प्री में 8 दिसंबर को एक शिफ्ट में पूछा गया है। पैराजंबल बेसिकली होता क्या है? पैराजंबल आपकी लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट होता है। आपकी लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट होता है पैराजंबल, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपकी चेक की जाती हैं। और आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं, रीडिंग स्किल्स वो भी इसमें आपकी चेक की जाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेंटेंस ये दिया गया है, एक सेंटेंस ये दिया है, एक सेंटेंस ये दिया है। तो ये है क्या? ये पैराजंबल को एक एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के जो अलग अलग सेंटेंसेज हैं उनको उनको मिक्स कर दिया गया है। तो इसको आपको अनजंबल करके फिर से एक मीनिंगफुल पैराग्राफ इसका बनाना है। तो पैराजंबल में सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर उस सेंटेंस से कोरिलेट करना है आपको आगे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको। तो इस तरीके से पैराजंबल को करना चाहिए। अब देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आप कैसे निकालेंगे? यदि आप फर्स्ट सेंटेंस निकाल लेते हैं किसी भी पैराजंबल में, तो समझो आपका आधा काम हो गया। फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस निकालना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है इन पैराजंबल्स में। और ये क्लर्क लेवल का एक पैराजंबल है, लेकिन PO लेवल में थोड़े से इससे भी अच्छे लेवल के पैराजंबल्स पूछे जाते हैं। अब देखिए, कोई भी पैराजंबल जो स्टार्ट होगा वो नॉर्मली नाउन से स्टार्ट होता है, या एक टाइटल वर्ड से स्टार्ट होता है, या टाइटल सेंटेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है? पैराजंबल किसी भी ऐसे सेंटेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता जो किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस दिया है हाउएवर। तो इसमें इसमें हाउएवर दिया गया है, ठीक है? हाउएवर का मतलब क्या है? हाउएवर का मतलब ये है कि हम दो सेंटेंसेस के बीच में, सपोज दो सेंटेंस हैं ए और बी, तो इन दो सेंटेंसेस के बीच में हम एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस समय हम हाउएवर बोलते हैं। तो दो सेंटेंस में ये बाद वाला सेंटेंस है और इससे पहले वाला एक प्रीवियस सेंटेंस होना चाहिए। यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि इसमें हाउएवर दिया गया है, ठीक है? और कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो नॉर्मली वो नाउन से स्टार्ट होता है, फिर उस नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहां पर आप समझिए, जैसे यहां पर क्रूशली दिया है। क्रूशली का मतलब ये है कि यहां पर हम किसी फैक्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब पहले हमने कुछ बोला है, फिर वहां पर, फिर यहां पर इस सेंटेंस के थ्रू हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर देखिए, ये सेंटेंस फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये किसी प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन लगता है। ये देखिए, ये एक्सटेंशन लगता है है द टोटल इनकम दैट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय BCCI अमंग प्लेयर्स इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लोअर इनकम फ्रॉम मीडिया राइट्स। मतलब ये एक टाइटल सेंटेंस नहीं हो सकता कि हम इस सेंटेंस से हम किसी पैराग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सेंटेंस किसी कहीं पर बीच में ये आ सकता है, ठीक है? अब देखिए, यहां पर एक और लॉजिक बताता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड 40%। देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है द गेम। इसका मतलब यह है कि इस गेम के बारे में पहले बात की जा चुकी है, इस गेम के बारे में पहले बात की जा चुकी है, क्योंकि यहां पर इसको हम पर्टिकुलर कर रहे हैं इस आर्टिकल से, द गेम, ठीक है? ये द गेम किसके लिए आ रहा है? ये द गेम आ रहा है इस क्रिकेट के लिए। और क्रिकेट क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है? तो नॉर्मली पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है वो नाउन से होता है, तो इसलिए यहां से इसकी स्टार्टिंग बन सकती है। क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर। क्रिकेट जो है वो अपनी क्राउड पुलिंग पावर खोता जा रहा है, ठीक है? स्टेडियम्स में और मैचेस में, T20 वनडे जो मैचेस होते थे और अभी भी होते हैं, उनमें जो भीड़ होती थी वो अब भीड़ नहीं हो रही है। तो उसका उसके बारे में ये पूरा पैराग्राफ आपको आपको बनाना है, उसी के बारे में है ये पूरा पैराग्राफ। तो इसको हम लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस। अब इसको फर्स्ट क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया कि ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज़ हुआ है। ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सटेंशन लगता है किसी सेंटेंस का।
ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर द आर्टिकल के द्वारा इसको पर्टिकुलराइज किया गया है, यानी द गेम से पहले वो उस गेम का मेंशन आना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसको देखिए, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑफिशियली सेड, इसमें हाउएवर आ रहा है तो ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपका फर्स्ट सेंटेंस यही सेंटेंस हो सकता है, क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर। अब इसके बाद क्या बोलेंगे हम, यहां पर हमने चूंकि क्रिकेट बोला है तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोलेंगे द गेम, और द गेम जो है वो इसमें इसमें आ रहा है। टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड 40% टू ए वीकली 61% ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर हमने बोला है कि क्रिकेट ने अपनी क्राउड पुलिंग पावर खो दी है, और यहां पर मैंने बोला है कि टेलीविजन की व्यूअरशिप 40% कम हो गई है, तो ऑलमोस्ट सेम बात इसमें बोली जा रही है। तो यहां पर ई का और सी का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है, ठीक है। अब ई सी में हमने क्या बोला है, ई सी में हमने ये बोला है कि इसका अट्रैक्शन जो है क्रिकेट का खत्म होता जा रहा है, कम हुआ है। अब इस सेंटेंस में देखिए, क्रूशली दिस लॉस ऑफ शीन, देखिए यहां पर एक प्रोनाउन आ रहा है दिस, दिस लॉस, दिस लॉस का क्या मतलब है, कौन सा लॉस, किस चीज का लॉस, वो जो लॉस है वो यहां पर बताया है, वो जो लॉस है वो यहां पर बताया है कि इसकी जो व्यूअरशिप है वो 40% कम हो गई है, ये है लॉस, व्यूअरशिप का लॉस है, ठीक है। और इस लॉस का मेंशन कहां पर है, यहां पर है, ठीक है, कि इसकी जो चमक है, इसकी जो शीन है वो कम हो गई है। तो ई सी ए के बाद आप लॉजिकली आप लगाएंगे ए, ठीक है। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, डी जो सेंटेंस है ये सबसे आखिरी में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हाउएवर दिया गया है, तो हाउएवर से हम किसी स्टेटमेंट में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जिस स्टेटमेंट में आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट तो इससे पहले आना चाहिए ना। अब वो स्टेटमेंट कौन सा है, वो सेंटेंस कौन सा है, वो सेंटेंस है बी, क्योंकि बाकी सारे सेंटेंस तो हमने यहां पर ले लिए हैं ऑलरेडी, ई सी ए। तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ई सी ए बी डी बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना है। अब ये कॉम्बिनेशन बन गया आपका, अब इसके आधार पर आप इन सेंटेंसेस को कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस कौन सा है आपका, ई सी ए, ए आपका थर्ड सेंटेंस है, तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, सी आपका आंसर होगा, सेकंड। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका ई, तो आपका आंसर होगा फोर। फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है, तो फिफ्थ सेंटेंस ई सी ए, ई सी ए बी डी, डी है तो डी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ सेंटेंस कौन सा है, फोर्थ सेंटेंस है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरीके से इस पैराजंबल को आप कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर का 2018 का रियल पैराजंबल है, और सेम इसी तरीके का पैराजंबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फोर्थ कमिंग आई बी पी एस क्लर्क प्री में और मेंस में, एस बी आई क्लर्क प्री में और मेंस में। तो इस तरीके से पैराजंबल को आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो उसके थ्रू आप इस पैराजंबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।